खेसारी लाल यादव और विवादों का चोली दामन का साथ है, लेकिन इस बार खेसारी लाल यादव बड़े ही गुड टर्म के लिए आ रहे हैं। गुड टर्म ये कि खेसारी लाल यादव ने प्रदीप पांडे चिंटू और उनके पापा राजकुमार पांडे से माफ़ी मांग रहे हैं। जी हाँ, माफ़ी किस लिए मांग रहे हैं तो आपको बता दें कि वो नहीं चाह रहे हैं कि उनकी दुश्मनी लॉन्ग टाइम तक चले या लॉन्ग टर्म तक ये दुश्मनी चले, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर खेसारी लाल यादव और प्रदीप पांडे चिंटू और राजकुमार पांडे एक साथ एक फिल्म बनाएं। ये भी हो सकता है कि इन तीनों के रिश्ते जो आज इतने बुरे हैं कल को बहुत अच्छे फेस पे हो जाए, लेकिन इसमें किसी एक को पहल तो करनी थी, इसलिए खेसारी लाल यादव ने सबसे पहले पहल की है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर खेसारी लाल यादव ने प्रदीप पांडे चिंटू और राजकुमार पांडे इन दोनों से माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि वो किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा अपने मन में नहीं रखना चाहते। ये बहुत अच्छी बात है कि खेसारी लाल यादव इतना अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सोच रहे हैं और ये भी अच्छी बात है कि आगे चलकर इनकी दोस्ती बरकरार रहे और भोजपुरी इंडस्ट्री से इससे फ़ायदा हो। वैसे आपको बता दें, जो लोग इनके दुश्मनी के बीच अपनी रोटी सेक रहे थे उनके लिए ये थोड़ी बुरी खबर है,